सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप आयु का चैनल जो है वो सस्पेंड हो चुका है, सस्पेंड होने के बाद आपके पास अपने चैनल का यूआरएल जो है वो मौजूद नहीं है, तो अब आप आइए उन्हें अपने चैनल को रिकवर करने के लिए यूट्यूब को ईमेल करनी है। तो ईमेल के लिए आपके पास आपके अपने चैनल का यूआरएल होना चाहिए, लेकिन आपके पास आपके चैनल का यूआरएल मौजूद नहीं है। तो सो गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा कि एक चैनल जो है वो सस्पेंड हो जाता है, उसके बाद उस चैनल का जो यूआरएल लिंक वो कैसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप यूट्यूब को ईमेल कि मेरा चैनल मुझे रिकवर कर दीजिएगा। रिकवरिंग के वक्त या किसी भी चीज के वक्त आपको आपके चैनल की जो लिंक है, यूआरएल है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप भाई अपने उस चैनल का जो यूआरएल है वो कहां से ले सकते हैं। तो अगर आप भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी से करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो का स्टेप मिस करेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी। और चैनल पे आने वाले नए यूजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ में घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। सो गाइस, बिना कुछ कहे चलते हैं वीडियो की तरफ। मोबाइल के अंदर जो क्रोम ब्राउजर है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इधर सर्च बॉक्स होगा, इधर जाके आपने कुछ भी लिखकर टाइप कर देना है, लाजमी नहीं कुछ लिखे, कुछ भी लिखकर टाइप कर देना है। और सिंपली सबसे फर्स्ट पे, तो अगर आपके पास ज्यादा ईमेल है तो उसके लिए आप भाइयों ने क्या करना है, आपने अपनी ईमेल को लॉगिन कर लेना है। अगर ज्यादा ईमेल है तो मेरे पास तो इधर काफी सारे ईमेल लॉगिन है, लेकिन जिस ईमेल के ऊपर आपका चैनल डिलीट हो चुका है आपने उस ईमेल को इधर लॉगिन कर लेना है। या आप भाइयों की ईमेल लॉगिन हो जाएगी तो सिंपली आपने अपने उसी आइकन के ऊपर क्लिक करना है। आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आपको नंबर फर्स्ट पे ही देखने को मिल जाएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो आपने इस मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो नंबर थर्ड पे ही आपको डेटा एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन है, आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने करना है स्क्रोल डाउन करेंगे तो उसके बाद आप भाइयों ने क्या करना है, तो इधर आप भाइयों को एप्स एंड सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपने सिंपली सिर्फ इस ऑप्शन जो एप एंड सर्विसेज के सामने एक एरो का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप भाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर इधर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा डिलीट आवर सर्विसेज, तो आपने इस डिलीट आवर सर्विसेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने डिलीट आवर सर्विसेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपको इधर दो तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो फिर आपने क्या करना है, आपको नंबर फर्स्ट पे फिर देखने को मिलेगा डिलीट आवर सर्विसेज, आपने फिर दोबारा डिलीट आवर सर्विसेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो इधर उसके बाद आप भाइयों ने अपना जो पासवर्ड है वो कर लेना है टाइप। मेरे पासवर्ड जो पहले सेव था मैं उसे टाइप नहीं करता, वो सेव वाला पासवर्ड लॉग इन करता हूँ। तो उसके बाद फिर आपको इधर कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो इधर आप भाई देखे, इधर आपकी ईमेल के ऊपर जो जो चीज है वो सब शो हो जाएगी। इसके ऊपर 26 वीडियो थी, यूट्यूब के ऊपर, जीमेल के ऊपर कितनी ईमेल्स थी वो शो होंगी। तो सिंपली आपने यूट्यूब के सामने जो डिलीट वाला आइकन है आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप भाई जिस तरह ही क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आप भाई ने अपना जो पासवर्ड है वो टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद इधर आपका जो चैनल है वो हो चुका था डिलीट, उसका जो यूर नेम है वो आप भाइयों को इधर देखने को मिल जाएगा और वो ईमेल भी आप भाइयों को इधर देखने को मिलेगी। तो आपने इधर कुछ भी नहीं करना, सिंपली उस जो नेम है उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो बिल्कुल लास्ट पे आपको जो है वो शेयर लिंक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपने इस शेयर लिंक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और ये इसका जो लिंक है तो नीचे ही आपको कॉपी लिंक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इधर आप हमें देखने को मिल चुका है लिंक कॉपी, हमारा जो लिंक है वो कॉपी हो चुका है। तो इधर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने दोबारा इसी तरह बैक आ जाना है। अगर आप भाई कुछ और सेटिंग करेंगे तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है परमानेंटली, तो आपने इसी तरह बैक आ जाना है। तो बैक आने के बाद जो आप भाइयों का जो चैनल था उसका लिंक आप भाइयों ने कॉपी कर लिया है, तो आप भाइयों को पता चल गया होगा कि आप भाइयों का जो चैनल है जो सस्पेंड हो चुका था उसका जो लिंक है उसे कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप भाइयों को वीडियो अच्छी लगेगी तो आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी से करना है। और आप भाइयों का कोई भी क्वेश्चन हो यूट्यूब के ऊपर किसी चीज के ऊपर तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स से मुझसे जरूर शेयर करना है। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का भाई अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।